ओम शांति। इस संसार में अनेक आत्माएं बहुत भटक रही हैं। कोई सत्य की खोज में भटक रहा है तो किसी को शांति की तलाश है, कोई दुखों से बहुत परेशान है तो कोई संबंधों की कड़वाहट के कारण संबंधों को छोड़कर एकांतवासी बन जाना चाहता है, किसी को मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, किसी को शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं। हर मनुष्य भटक सा गया है, जीवन के सुखों से वंचित होता नजर आ रहा है और ये स्थिति बढ़ते बढ़ते उसे संसार से बहुत ज्यादा वैराग्य होने लगेगा और वे सभी लोग भगवान को पुकार कर कहने लगेंगे, हे प्रभु, ये संसार अब रहने लायक नहीं रहा है, इसे नष्ट कर दो। तब विनाश लीला प्रारंभ होगी, तब महादेव का तांडव नृत्य प्रारंभ होगा, डमरू बजेगा और नीचे होगा महाविनाश का तांडव नृत्य। हम सभी को अभी से लाइट हाउस बनना है ताकि हम सभी को मार्ग दिखा सकें। हम न भी दिखाएं, दूसरों को आपे ही मार्ग मिल जाए। हम सबको बाबा से जोड़ दें, सबको सत्य ज्ञान दे दें, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा दें। इसके लिए आवश्यक है हम अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएं। लाइट हाउस जिसे कहा, बहुत लाइट हो जाएं। जितने लाइट रहेंगे उतनी बाबा की माइट हमको आती रहेगी। और विशेष ध्यान हमें देना है कि हमारे संकल्प व्यर्थ में अननेसेसरीली ही न चलते रहते हों। हमारे संकल्पों का बड़ा महत्व है, हमारे संकल्पों के कारण हमारी स्थिति बनती है। जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे, जितने पावरफुल संकल्प होंगे, वैसे ही सुंदर हमारी स्थिति भी बनती जाएगी। हम अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान दें और वैल्यू दें कि सबसे अधिक कीमती है मेरी श्रेष्ठ स्थिति, बाकी सभी बातें इसके सामने गौण है, नेग्लिजिबल है। किसी भी कीमत पर मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को खोना नहीं है, तब मेरी लाइट दिनों दिन बढ़ती जाएगी, तब हम लाइट हाउस बन जाएंगे। साथ में लाइट हाउस बनने के लिए योग बल के साथ हमें बहुत अधिक पवित्र भी होना होता है, ताकि हमारी भावनाएं भी सबके लिए श्रेष्ठ रहें और हमारे मन में विकारों के कोई भी तूफान न उठें। जो आत्मा पूरी निर्विकारी बन जाती है वो इस सबसे अधिक पावरफुल तेजस्वी लाइट हाउस बनते हैं और उनके द्वारा संसार को मार्ग दिखता है, लाइट प्राप्त होती है। हमें ये कार्य करना है अपनी स्थिति को लाइट हाउस बनाने के लिए। हम ध्यान देंगे हर बात को लाइटली लेने का और याद रखें पुनः, जो स्वयं सरल होंगे उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, उनके रोग भी सरल हो जाएंगे, उनके संस्कार भी सरल हो जाएंगे। सॉफ्ट संस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। जिसके संस्कार सॉफ्ट हैं उन्हें व्यर्थ नहीं चलता, उनकी शक्तियां जमा रहती हैं, उनकी लाइट डिम नहीं होती है, नहीं तो बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होते होते लाइट डिम हो जाती है। तो आइए हम लाइट हाउस बनकर संसार को मार्ग दिखाएं, संसार में फैले हुए अंधकार को दूर करें। अंधकार भटका रहा है मनुष्य को, अंधकार में मार्ग नहीं दिख रहा है। विकारों ने मनुष्य को अंधकार में धकेल दिया है, देवान ने मनुष्य को अंधकार में धकेल दिया है। हम इन सभी से ऊपर उठकर स्वयं प्रकाश स्वरूप हो जाएं, हम भी प्रकाश में आ जाएं, दूसरों को भी प्रकाश मिले। तो बाबा की बहुत सुंदर बात याद कर लें,
तुम्हारा बाबा से डायरेक्ट शॉर्ट लाइन का कनेक्शन है। तुम ये कनेक्शन जोड़ो तो तुम भी प्रकाश में आ जाओगे और दूसरों को भी प्रकाश मिलने लगेगा। तो आज अभ्यास करेंगे। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर हूँ जहाँ से सारे संसार को लाइट माइट दे रहा हूँ, दे रही हैं। मेरे मस्तक से फाउंटेन निकल रहा, पिचकारी निकल रही है, सब पर पड़ रही है। इस अभ्यास से स्वयं भी बहुत सुखी होंगे, दूसरों को भी बल मिलेगा। ओम शांति।